नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का एक मीटअप है, आप लोग यूँ बोल सकते हो कि एक मोटिवेशनल एंड शॉर्ट मीटअप, ऐसे लोगों से जिनसे अनएक्सपेक्टेड मीटअप है। मतलब मैं भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं इतने लोग सारे लोगों से एक साथ मिल जाऊँगा सडन। बहुत अच्छा लगा कि ये लोग मेरे को पहचानते भी हैं थोड़ा थोड़ा, और मुझे इन लोग की स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा। हाल में हम लोग एक प्रोग्राम को एक्चुअली आज शूट करने आए थे, तो ये जो कोर्स है बीएचयू में आई थिंक पहली बार इंप्लीमेंट हुआ क्या? बीएचयू में सेकंड टाइम एक कोर्स आया है, तो मैं चाहूँगा अपने कोई इंट्रोड्यूस कराए कोर्स के बारे में। सर हमारा कोर्स है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा लाउड आवाज वहाँ तक। हमारा कोर्स है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, मतलब फूड हम लोग ऐसे सब फूड के हैं, लेकिन उसमें पढ़ाते हैं डेयरी साइंस और फूड दोनों है। अच्छा, हाँ बताइए। सर बेसिकली हम लोग का प्रिवेंशन कैसे करें फूड्स को, ये बेसिकली यही है। और बीटेक पता क्या होता है सर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी एक डेयरी टेक्नोलॉजी है। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर हम सब पार्ट्स में डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिवेंशन, कैसे एक्सट्रैक्शन करना है, प्लस में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा जाता है। मेन फोकस अच्छा, ये कोर्स ये बीटेक का कोर्स है, डिग्री किसकी मिलेगी? अच्छा बीटेक की डिग्री मिलेगी। आप लोग इंजीनियर कहलाओगे अपने नाम? ईआर लिखने वाले हो? सर हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ईयर में हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स, फिजिक्स, बेसिक चीजें पढ़ाई जानी है। और इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस कितनी है सर? 40,000 इसकी फीस है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर का? जी सर। अच्छा पर सेमेस्टर का पूरा। इसकी क्लासेस कहाँ चलती है सर? आईआईटी के आगे। आप लोग अपने कोर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? हाँ बहुत। और एक गलत धारणा भी है लोगों के अंदर कि फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाना बनाना सीख रहे हैं, जो हम लोग नहीं सीख रहे हैं। सही नहीं है, खाना बनाना वो होटल मैनेजमेंट है। हमारा कोर्स है खाने को प्रिजर्व कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये लोग फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस। यस कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल आप इधर आओ। हां बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से हम उस फूड को प्रिवेंट करना, उस ऐसे जैसे कि अचार को सड़ने से बचाना। तो ये आप बताओ ना अपने, मैं कैसे बता पाऊंगा? फूड पैकेजिंग और कैसे नए नए वो पैकेजिंग वो ला दें कि जैसे फूड प्रिवेंट अच्छी ज्यादा दिन तक प्रिवेंट हो जाए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और एप्लीकेशन से इंजीनियरिंग, हम लोग फूड बनाते नहीं है उसे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। अच्छा एक चीज है, मेरे को लग रहा है फिर तो टुडेज मार्केट में इस कोर्स की बहुत डिमांड होगी, क्योंकि जितने भी पैक्ड फूड आते हैं अप्रॉक्स उन सब में चीजों में इसका यूज ही यूज है। अडल्ट्रेंट्स हम यूज करते हैं ना, जैसे अडल्ट्रेंट दूध में मिलावट है, तो उसको भी चेक करने के लिए हमें प्रोसेसिंग सब कुछ सिखाया जाएगा, ये है सब कुछ उसमें बारे में। अच्छा इस कोर्स के बारे में पता कैसे चला था? आप बताओ इधर आ जाओ। हाँ बताओ इस कोर्स में पता कैसे चला? सर जब सीयूटी मतलब सीयूटी का फॉर्म भरना था, तो उसमें बीएचयू के बारे में जब सर्च कर रहे थे कौन से अच्छे अच्छे कोर्स हैं, उसी में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी मिला था। तो उस हिसाब से कोर्स के हिसाब से और एक बीटेक डिग्री भी है, प्रोफेशनलिज्म है, तो उस हिसाब से। कोई यूनिक रिप्लाई मतलब कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में किसी, सबको अपना अपना बताओ सब लोग। CUET में मतलब, और इसको कौन भर सकता है? BSc वाले, मैथ वाले, मैथ्स और बायो वाले, मैथ्स वाले, PCM सर जिनका 12th स्टैंडर्ड प्लस 2 मैथ, चाहे मैथ लेके आओ चाहे बायो। एक मिनट हाँ ठीक है, एक लोग बताओ। अच्छा मैथ्स प्लस टू जो होना है वो मैथ्स से होना चाहिए, और बायो भी हो सकता है। बायो भी हो सकता है पर मैथ्स मेन है। मैथ्स मेन, यस सर। अच्छा और इसकी प्रिपरेशन क्या है? बीटेक लेवल करना पड़ेगा, मीन्स आईआईटी सीयूटी लेवल? क्या पैटर्न क्या है इसका बताओ आप? CUET में नॉर्मल सिर्फ क्लास 12 का ही आता है CUET। मुझे लग रहा है इस बैच में लड़कियां बहुत एक्टिव हैं। और ये पूरा बैच है कि अभी और भी है? अबाउट कितने लोग होंगे? 27। ये बहुत स्लो बोल रहे हो, कितने बच्चे होंगे आपके क्लास में? 30 टोटल, बस 30 सीट्स, 30 है, 30 सीटी है, 1 2 3। हाँ अच्छा डेयरी टेक्नोलॉजी का कौन है इसमें? बस एक है। क्या करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में? सर डेयरी में जैसे कोई दूध का प्रोडक्ट बनाना है उसको सभी का प्रोडक्ट बनाते हैं, और जैसे कि हमारा देश इंडिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस होता है। अच्छा, लेकिन फिर भी सभी लोगों के पास दूध नहीं पहुंच पाता है। हाँ तो हाँ बस एक मिनट अपनी उपस्थिति। अच्छा फूड अच्छा आ जाओ भाई सब आ जाओ, ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा आप लोग अपने प्लेसेस बता दो। रवि दो मधुकर फ्रॉम बिहार। बिहार, और आप? बस स्टेट बताओ। अग्निवा मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वाराणसी।
गोरखपुर से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, आजमगढ़, आजमगढ़ बनारस, आसाम, आसाम से आप हो, आप बिहार, बिहार से, बिहार में, बिहार और कहाँ, छपरा, छपरा, और आप वाराणसी, वाराणसी से यहाँ पे दो लोग हैं, चलो मेरे यहाँ से कोई है इधर, आप कौन, अच्छा वाराणसी से, बहुत वाराणसी भाई है, ये पहला ऐसा कोर्स है जो बनारस वाले आ गए, भूल से आए क्या यार, मेरे को कभी बनारस वाले मिलते ही नहीं है, पता चला अप्रोक्स वेस्ट बंगाल बिहार से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, चलो कम से कम, अरे हम बच्चे हैं, हाँ बता, अरे भाई फ्रॉम बिहार, बक्स, बिहार बक्सर, हाँ बक्स, अच्छा अभी मैंने एक क्वेश्चन था कि हाँ बताओ, कार्तिक करौंदी वाराणसी सर, वाराणसी, चलो अच्छा करो, मतलब पड़ोसी हो, बीएचयू के पड़ोसी हैं, हाँ नहीं याद रहेगा, अपना वीडियो देख लेना, अच्छा एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो इस कोर्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिला था, जेन्युइन रिप्लाई बताओ, किसी को पता है, यूट्यूब के थ्रू, अच्छा मैंने भी इस पे कोर्स बारे वीडियो बनाया था, अच्छा और इसकी प्रिपरेशन के लिए क्लास 12th एनफ है, बस साइंस, अच्छा मुझे लग रहा है कि कोर्स डिटेलिंग के लिए कभी मुझे स्मार्ट बोर्ड पे अलग से करना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल हेयर, सो फाइनली बस अपना एक लास्ट एक्सप्रेशन बताओ कि एडमिशन के बाद कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो सो फाइनली जो नए ऑडियंस है जो आने वाले इनको क्या कहना चाहोगे, सर बस बेसिक क्लियर करके थोड़ा क्लोज आ जाओ, तीन चार लोग बताओ, मतलब सर बस अच्छे से प्रिपरेशन करो और ये ना डरे कि ये कोर्स कैसा है, ये अच्छा नहीं है, हम लोग रियलिटी जान रहे सर कि बहुत सही है, ये जिसने भी सर बोर्ड लेवल तक का किया उसका सीयूटी क्रैक है, कोर्स का स्कोप बहुत ज्यादा, आगे फूड टेक्नोलॉजीज बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सर मतलब हम लोग जहाँ समझते हैं कि दुनिया में सभी काम रुक सकते हैं लेकिन जब तक इंसान है, जीव है, तब तक खाना नहीं रुक सकता, खाना नहीं रुक सकता, तो जब तक अपनी फिलॉसफी बना के आए हैं कि ये रहेगा और हमारा कोर्स तब तक जिंदा रहेगा, आगे की यूथ को मोटिवेट करना है कि उन लोग भी मतलब इस कोर्स को गलत वे में ना लें, जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे जो आने वाले हैं, जूनियर्स को किसी और की बातों में ना आए क्योंकि ये कोर्स बहुत अच्छा स्कोप है, देखो एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे एक कोर्स को मैंने प्रमोट करा और उस कोर्स से आज उस कोर्स में बहुत बच्चे आए, लेकिन बाद में मुझे उस वीडियो को डिलीट करने के लिए भी बोला गया, वो कोर्स है विवॉक, विवॉक में हुआ क्या कि विवॉक एक तरह से प्रैक्टिकल कोर्स है, लेबोरेटरी और किचन वगैरह होना बहुत जरूरी है, लेकिन बीएचयू में इस कोर्स को रन कराया जा रहा है और बाद में पता चला कि बच्चे अब बी वालों के साथ बस घूम रहे हैं, क्लास चल नहीं रही अच्छे से, मतलब थ्योरी वाली चल रही, प्रैक्टिकल तो अवेलेबल, आज आप लोग इस कोर्स को प्रमोट कर दो, बाद में पता चले कि भाई हम आप लोग भी धरने बैठना चाह रहे हो, क्लास नहीं चल रही, तो एक फाइनल आंसर बहुत बढ़िया लाउड बताना कि बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले कि ना ले, फी हाई है, हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम्स हैं, पर फैकल्टी वाइज बेस्ट है, आईआईटी के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, आईएएस के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं हम लोग को, और एफटी का जो पर्सनल, मैं एफटी से हूँ, उसका स्कोप है, प्राइवेट में भी स्कोप है, जैसे जितनी भी फूड एंड करने के बाद अपना जो जूनियर है वो डीमोटिवेट ना हो, फोकस्ड रहे, चलो बहुत अच्छा लगा कि इस कोर्स को लेके इतना अवेयर है और ये लोग खुद चाहते हैं कि आप लोग जरूर यहाँ एडमिशन लें, तो लास्ट में तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और होपफुली आप मेरे वीडियोस देखते रहे होगे, चलो बहुत अच्छा लगा, और इस कोर्स पे शायद मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो बनाना शुरू किया था, जिसकी वजह से मेरे पास आपके कोर्स के बहुत बच्चे आए, बहुत ऑलमोस्ट, और ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलके, और प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो, हर हर महादेव।